बिलासपुर में गत शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा 34 अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जा हटाने के मौखिक आदेश जारी करने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं तथा इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रमुख नेता भी आमने सामने हो गए हैं। स्थानीय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भाखड़ा विस्थापितों की बैठक पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विस्थापितों ने भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली व धरना प्रदर्शन किया। बाद में उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भी ज्ञापन भेजा गया। बंबर ठाकुर ने विस्थापितों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार एवं जिला प्रशासन ने विस्थापितों के मुद्दे पर कोई उचित कार्रवाई व ठोस नीति नहीं बनाई तथा अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया तो इसके कड़े परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने प्रदेश भाजपा सरकार पर अवैध कब्जों के नियमितीकरण के मुद्दे पर पिक एंड चूज की नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कुछ सरमरदारों के अवैध कब्जों को नियमित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, लेकिन आम लोगों की अनदेखी की जा रही है। यहां तक कि इस मामले में स्थानीय विधायक भी पीछे नहीं है। बंबर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व विधायक सुभाष ठाकुर एक साथ नहीं है, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिलासपुर शहर के भाखड़ा विस्थापितों द्वारा मजबूरीवश किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 150 वर्ग मीटर की पॉलिसी तैयार की थी, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला तो इस नीति में संशोधित कर कानून बनाकर लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर सरकार ने शीघ्र ही कोई नीति नहीं बनाई तो लोगों के साथ मिलकर वे धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।